मैं इस वक्त पुणे के बिब्बेवाड़ी में मौजूद हूँ, जहाँ पे माहेश्वरी समाज द्वारा दिवाली स्नेह मिलन और अन्नकुंड की महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज हमारे साथ माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष जी मौजूद है। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये अन्नकुंड किस तरह मनाया जाता है और इनकी तैयारी कितने दिनों से की जाती है। सर आपका नाम बताइए। संजय जांडक जी। सर ये जो आप माहेश्वरी समाज द्वारा अन्नकुंड मनाया जा रहा है, तो इसकी तैयारी कैसे शुरू होती है और पुराणों में इसके बारे क्या लिखा गया है? ये समस्त पुणे जिला माहेश्वरी समाज का ये अन्नकूट महोत्सव दीपावली के बाद में गोवर्धन गिरिधारी का ये उत्सव है। ये पुराणों में इसकी मान्यता लिखी गई है। दीपावली समाप्त होने के बाद ये अन्नकूट महोत्सव हर मंदिरों में हर जगह मनाया जाता है। ये समस्त पुणा के माहेश्वरी समाज का ये अन्नकूट गत 20 साल से अपन यहाँ पे मना रहे हैं। पूरा पुणे जिला के पिंपरी चिंचवड नारायणगांव बारामती से लोग यहाँ पे आते, करीबन 6,500-7,000 लोग यहाँ पर पूरे समाज के इकट्ठा होकर ये उत्सव मनाते हैं। समझो यहाँ पे जो अपने ग्रीटिंग कार्ड है, पत्रिका है, सभी को हम भेजते हैं और उसके बाद मैसेज भी दिया जाता है उनको, व्हाट्सएप पे दिया जाता है। और करीबन इधर हमारे जो है 5,000-6,000 लोगों का खाना बनता है, उसके बाद वितरण होता है। और इसमें कम से कम टीम हमारी 250-300 लोगों की टीम रहती है। इसमें साथ में हमारे जो कैटरिंग वाले रहते हैं उनकी 200 लोगों की टीम रहती है, हमारे कार्यकर्ताओं की 100 की रहती है, और बाकी जब जो भी सब मंडल वाले रहते हैं वो भी आके इसमें भाग लेते हैं और अच्छी तरह से और स्नेह मिलन होता है और एक दूसरों से मिलते जुलते हैं और जो कुछ भी बातें चीतें चलती रहती है। एक प्रथा है हमारे माहेश्वरी समाज में कि दिवाली के बाद हम जो सीनियर लोग हैं उनको मिलने के लिए जाते हैं और जाके उनका आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। तो ये एक समाज का एक इकट्ठीकरण जिसको हम संगठीकरण कहते हैं, वो एक मजबूत होता है। इस तरह से ये एक आयोजन किया जाता है, उसका उद्देश्य यही है। याचं इन्व्हिटेशन हे ओपन असतं माहेश्वरी समाजाचं, म्हणजे कोणीही समाजातला माणूस हा त्याच्या मित्राला त्याच्या नातेवाईकाला या कार्यक्रमाकरता बोलवू शकतो। गेल्या वर्षी एकंदरीत जवळजवळ 6,500-7,000 लोकांनी ह्या प्रसादाचा आनंद घेतला होता। आज इतनी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी लोगों का जो उत्साह है वो बहुत बड़ा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5,000-7,000 लोग आना चाहिए वो इतने बारिश में भी आएंगे और यही एक चीज़ है जो समाज के लोगों को बांधे रखती है। कंपनी का नाम जाजू डेकोरेटर्स है। अब यह जो अन्नकूट का पूरा व्यवस्था में जितना सजावट डेकोरेशन जो किया है तो मेरी कंपनी ने हर साल हम लोग हमारी तरफ से सेवा बोल के करते हैं। मुफ्त में करते हैं। पिछले कितने सालों से? पिछले 10 साल से यही मुफ्त में करते हैं। कृष्ण भगवान की यहाँ पूजा होके उनका आगाज किया जाता है, उन लोगों को भोग लगाया जाता है, 56 प्रकार के भोगों से भगवान के सजाया जाता है और सभी बंधुओं यहाँ आके स्नेहा मिल करके भोज का आनंद भी लेते हैं। बुजुर्ग आते थे, अभी नई पीढ़ी भी आने लगी है। इस सब यजमान बनने का लाभ भी मिलता है यहाँ पे। अपनी इच्छा रही तो अपन यजमान भी बनते हैं भगवान की प्रसादी के लिए और वो लाभ उठाते हैं, उसमें बहुत आनंद आता है। हर एक का मन में ऐसा लगता है कि अपन भी करना चाहिए, हम भी कुछ करना चाहिए। माहेश्वरी चैरिटेबल फाउंडेशन पुण्याची एक सामाजिक संस्था है, ज्याच्यामध्ये पुण्याचे समस्त माहेश्वरी समाज हे सदस्य आहेत आणि सामाजिक काम या संस्थेच्या मार्फत केली जातात। जवळपास 35 वर्ष ही संस्था पुणे शहरामध्ये काम करते आणि विशेषतः या एक कार्यालय मोठं बांधून समाज बांधवांची आणि इतरही समाजातल्या मंडळींची पुण्यामध्ये लग्न कार्यासाठी आणि इतर कुठल्या कार्यक्रमासाठी एक चांगली सोय या संस्थेने केलेली आहे। मेरा नाम मदनलाल भुतड़ा। महेश सांस्कृतिक भुवन के वजह से हम सब समाज को इकट्ठा करते हैं और सब समाज इकट्ठा होने से नए नए कार्य, नए नए सुविधाएँ निर्माण करते हैं।